तो सीआईडी के फॉरेंसिक लैब में क्या डॉक्टर तारिका और अभिजीत बेहोश होने वाले हैं? लेकिन फॉरेंसिक लैब में तो टेस्ट वगैरह किया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर सालुंखे और डॉक्टर तारिका काम करते हैं। अभिजीत वहाँ पर जाकर बेहोश क्यों होने वाले हैं? क्या है इसके पीछे का असली राज? सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अभिजीत लिखकर अपना प्यार सीआईडी शो के लिए ज़रूर दिखाइए। तो दोस्तों, बात करें अगर सीआईडी के इंस्पेक्टर अभिजीत और डॉक्टर तारिका की, तो ये दोनों सीआईडी के सबसे पुराने कपल माने जाते हैं और सबसे पुरानी लव स्टोरी भी इन्हीं दोनों की है। इन दोनों की लव स्टोरी सीआईडी के फॉरेंसिक लैब से ही शुरू हुई थी दोस्तों, जहां पर अभिजीत एक बार गए थे एसीपी प्रद्युमन के साथ और फॉरेंसिक लैब में मुलाकात हुई थी उनकी डॉक्टर तारिका और डॉक्टर सालुंखे के साथ। तो वहीं से इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। सीजन टू में ये दोनों फॉरेंसिक लैब के अंदर बेहोश होने वाले हैं, क्योंकि फॉरेंसिक लैब के अंदर एक ऐसी गैस फैल गई है जो गैस काफ़ी जहरीला है और ये गैस किसी ने जानबूझकर फॉरेंसिक लैब के अंदर छोड़ा है ताकि वो अभिजीत, डॉक्टर तारिका और डॉक्टर सालुंखे को बेहोश करके उनको मार सके। तो कौन है ये शातिर अपराधी? इंतज़ार करते हैं सीजन टू का।